हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स 07 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट शटरिंग एरिया फॉर अ कॉलम, यानी कि हम कॉलम के लिए शटरिंग एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर न तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, तो अपने मैं टॉपिक की ओर, कैलकुलेट शटरिंग एरिया फॉर अ कॉलम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊँ जिससे कि आप स्क्वायर कॉलम हो या रेक्टेंगल हो या सर्कुलर कॉलम हो, ठीक है, तीनों के लिए ही आप शटरिंग एरिया आप कैलकुलेशन आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो सब यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल बताऊँगा वो एक स्क्वायर कॉलम के लिए बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने जो ये एग्जांपल लिया हुआ एक स्क्वायर कॉलम के लिए हुआ, ठीक है, जिसकी साइज़ है क्या 300 बाय 300 mm, ठीक है, ये 300 बाय 300 mm है और इसकी हाइट कितनी है 3.12 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की ये हाइट कॉलम की टोटल हाइट 3.12 मीटर है, ठीक है। और कॉलम टाइप के हमारा स्क्वायर है जो कि मैंने आपको बता दिया है, और शटरिंग एरिया जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या तो मीटर स्क्वायर में या फिट स्क्वायर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी एक कमेंट आया था कि आप हमें फिट स्क्वायर में बताइए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने जो बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर वो बनाई थी मैंने मीटर स्क्वायर के लिए, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा फिट स्क्वायर में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं कुछ, उसको पहले आप देख लिए। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यानी कि स्क्वायर कॉलम का जो ये है पैरामीटर, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की ये लेंथ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, ठीक है, ये पूरी लेंथ को हम क्या कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो टोटल पैरामीटर कितना होगा स्क्वायर कॉलम के लिए 4s हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह सेकेंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जब हमारा रेक्टेंगल कॉलम होगा, ठीक है, यानी कि जिसकी सिर्फ दो साइडें ही इक्वल होंगी, यानी कि एक साइड ये एक इसके सामने वाली इक्वल होगी और एक ये वाली और इसके सामने जो साइड आएगी वो इक्वल होगी, तो उसमें क्या होगा लेंथ, यानी कि ये टोटल लेंथ ये इक्वल रहेगी ये लेंथ, ठीक है, तो एल प्लस बी कर देंगे, यानी कि ये लेंथ और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये टोटल पैरामीटर ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो पैरामीटर का ये हो गया फार्मूला। और थर्ड देख लिए क्या, पैरामीटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कुलर जब हमारा कॉलम होगा तो उसका पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे 2πr, ठीक है, यानी कि 2πr, r यहाँ पे क्या होगा रेडियस होगी, ठीक है, तो पैरामीटर सर्कुलर का भी हम इसी तरह हम निकाल लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और देख लिए, एरिया अगर हमें निकालना हो रेक्टेंगल का तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, से हमारा रेक्टेंगल का एरिया में आ जाता है। और एरिया ऑफ हमें स्क्वायर निकालना हो तो साइड इनटू साइड, यानी कि ये एक साइड का दूसरे साइड में इनटू कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा शटरिंग कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला ऑफ शटरिंग एरिया में क्या होगा, पैरामीटर इनटू हाइट, यानी कि जो ये पैरामीटर हम निकाल लेंगे उसमें कॉलम की जो टोटल हमारी हाइट होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉलम के लिए जो भी हमें मतलब कि रिक्वायर शटरिंग एरिया होगी वो हमारी निकल के आ जाएगी। यही मैं आपको आगे भी करके बताऊँगा। वो हमारी साइड जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था वो कितना था 300 बाय 300 का था, ठीक है, कॉलम जो हमारा था, तो 300 को हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, फिट में, तो ये फिट में कन्वर्ट करने पर आ जाए कितना 0.984 फिट, ठीक है, यानी कि एक साइड की जो हमने नापी है वो 0.984 फिट हो गई। तो फ्रेंड्स, जो हमारी कॉलम की साइज़ थी वो क्या थी 300 बाय 300 mm, ठीक है, तो ये 300 mm हमारा उसको अगर हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.984 फिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लिया है, जैसे कि मुझे कमेंट आया था कि आप हमें फिट में बताइए, तो ये फिट हो गया। उसी तरह हमें हाइट को भी कन्वर्ट कर लेना कितने फिट में, तो हाइट आ जाएगी हमारी कितनी जो 3.12 मीटर थी वो आ जाएगी 10.236 फिट, ठीक है, यानी कि ये टोटल हाइट 10.236 फिट हो गई, ठीक है। तो बस सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि पैरामीटर हमें निकालना है, यानी कि ये पैरामीटर जो हमारा स्क्वायर कॉलम है उसका, तो 4s होता है फार्मूला निकालने का, जो कि मैंने आपको ये ऊपर बताया हुआ था, यहाँ पे ये 4s होता है, ठीक है, तो बस उसी तरह हमें ये इसको निकाल लेना है। तो 4s, s की वैल्यू हमारी 0.984 फिट हो गई, ठीक है, तो बस 4 × 0.984 हो गया, तो पैरामीटर हमारा आ गया कितना 3.936 फिट, ठीक है। और हमारी हाइट जो थी उसको भी हमने कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पे कितना 3.12 मीटर थी, जो कि मैंने अभी आपको फिगर में भी बताया है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया तो हमारी हो जाएगी हाइट कितनी 10.236 फिट, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, शटरिंग एरिया का जो हमारा फार्मूला होता है पैरामीटर इंटू हाइट, ठीक है, तो पैरामीटर में इंटू कर देंगे हाइट का, तो पैरामीटर हमारा आया 3.936 फिट, ठीक है, ये हो गया, हाइट हमारी आई है 10.236 फिट, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा शटरिंग एरिया निकल के आ जाए कितना 40.28 स्क्वायर फिट, यानी कि इतना स्क्वायर फिट हमें शटरिंग करना होगा कॉलम के लिए एक के लिए, जिसकी ये हमने एग्जांपल लिया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।